आईपीएल 2024 में भाई साहब जिस अंदाज में केकेआर खेल रही है, जीत की हैट्रिक लगा दी है भाई साहब, जीत की हैट्रिक, बड़ी बड़ी टीमों को हरा चुकी है केकेआर, जीत की हैट्रिक लगा दी है। और जिस अंदाज में बेखौफ अंदाज में केकेआर खेल रही है, मतलब डर नहीं है किसी भी टीम का, किसी भी गेंदबाज आक्रमण का, किसी भी गेंदबाज का, किसी का डर नहीं है, किसी मैदान का डर नहीं है। वो बेखौफ अंदाज जिस अंदाज में केकेआर खेल रही है भाई साहब, इस अंदाज को देखकर विपक्षी टीमें खौफ में है। लेकिन अब मैं अपनी वीडियो में आपको केकेआर के उन पांच बल्लेबाजों के बारे में बताऊंगा जिन बल्लेबाजों का खौफ सभी टीमों के अंदर है, जिन बल्लेबाजों को 2024 में रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, कोई टीम इन पांच खिलाड़ियों को नहीं रोक सकती इस बार। और ये पांच खिलाड़ी अब केकेआर को चैंपियन बनाने वाले हैं। इन पांच खिलाड़ियों का शुरुआत के तीन मैचों में अंदाज नजर आ गया है। इन पांच खिलाड़ियों के खौफ में इस वक्त सभी टीमें हैं। इन पांच खिलाड़ियों को रोकना बिल्कुल भी ना मुमकिन नहीं है। बहुत ज्यादा टेंशन इन पांच खिलाड़ियों की सभी टीमों को हो गई है। सबसे पहला खिलाड़ी सुनील नरेन भाई साहब, सुनील नरेन को ऐसा लग रहा है कि कोई बूटी दे दी है गौतम गंभीर ने आकर, ऐसी कोई बूटी सुनील नरेन को चटा दी है कि भाई साहब ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। पावर प्ले में तूफानी अंदाज में रन बना रहा है, पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी सुनील नरेन बन गया 2024 के अभी तक के मैचों में। भाई साहब दिल जीत लिया है सुनील नरेन को। इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहेंगे तो भाई साहब कोई टीम नहीं रोक पाएगी। सुनील नरेन को रोकना हर टीम के लिए एक टेढ़ी खीर बन चुका है। शानदार बल्लेबाजी सुनील नरेन की। नंबर दो भाई साहब वेंकटेश अय्यर, शानदार परफॉर्मेंस, और रघुवंशी ने भी आकर बेहतर परफॉर्मेंस कर दी है। पहले मैच में आते ही अर्धशतक जड़ दिया भाई साहब। मतलब ऊपरी क्रम पर केकेआर के पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप वेंकटेश अय्यर की बात कर लीजिए या फिर रघुवंशी की बात कर लीजिए, मतलब ऊपरी क्रम केकेआर का बड़ा सॉलिड है, बहुत सॉलिड बल्लेबाजी है ऊपरी क्रम पर, बहुत बेहतर बल्लेबाजी है ऊपरी क्रम पर, तो भाई साहब इनको भी रोकना मुश्किल है। उसके बाद में आंद्रे रसल, मैं आईपीएल 2024 से पहले कहता था इस बार रसल का तूफान आएगा, हर टीम को उड़ाकर ले जाएगा। इस बार रसल का तूफान आया और शुरुआत के तीनों मैचों में रसल की बल्लेबाजी देखने को मिली। जिस अंदाज में रसल मैच को फिनिश कर रहे हैं, रसल को रोकना मुश्किल है भाई साहब, रसल को नहीं रोक पाएगी कोई टीम। रसल का जब बल्ला चल गया है, रसल जब अपनी मसल दिखाने लगे हैं, तो भाई साहब अब रसल को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। नंबर चार है भाई साहब हर्षित राणा। हर्षित राणा गेंदबाजी में जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से विकेट चटका रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस हर्षित राणा। वैभव अरोड़ा भी आए, वैभव अरोड़ा ने भी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई दिल्ली के खिलाफ, आते ही विकेट चटका दिया, आते ही दिल्ली की कमर को तोड़ दिया, तो भाई साहब ये बड़ा मुश्किल है। और भाई साहब रिंकू सिंह जिस मैच में आते हैं, रन बनाते हैं, मैच को फिनिश करते हैं, चौके छक्के बरसाते हैं, रसल का साथ निभाते हैं, रिंकू सिंह को रोकना भी हर टीम के लिए मुश्किल है। तो केकेआर की टीम के सारे खिलाड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, सारे खिलाड़ी। बात गेंदबाजों की कर लीजिए, बात बल्लेबाजों की कर लीजिए, बात चाहे मैनेजमेंट की कर लीजिए, बात रणनीति की कर लीजिए, हर मामले में केकेआर अव्वल नजर आ रही है, हर मामले में केकेआर अव्वल नजर आ रही है। तो आपका केकेआर की इन पांचों छह खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि केकेआर को रोकना इस बार वास्तव में नामुमकिन है? क्या आपको लगता है कि वास्तव क्या इस बार फाइनल खेलने वाली है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यह भी बताइएगा कि इस बार केकेआर का कौन सा खिलाड़ी सबसे बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।